माय यूट्यूब फैमिली, माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अच्छी सबकी ईद गुजरी होगी। बहुत आज मैं आपको बताती हूँ बारबेक्यू बनाने का तरीका। ये चिकन है, चिकन आप अपनी मर्ज़ी से ले लीजिएगा। और साथ में मैंने ये देखें, ये चॉप्स भी ली हैं मैंने। ये इनको मैंने अच्छे से धो के तो खुश्क होने के लिए रख दिया। चिकन मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था। चिकन के अंदर जो स्पाइसेस जाने हैं वो ये घर का रोस्ट का मसाला, जो मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बता दिया है कि मैं लगाती हूँ, सब्जी में भी इस्तेमाल हुआ था। बस इसमें इलायची नहीं है छोटी, ये चिली फ्लेक्स हैं, गरम मसाला, लहसुन पाउडर, हल्दी और पेपरिका पाउडर। उसके साथ ही ये फ्रेश क्रीम की 2 डब्बियाँ इसके अंदर जाएंगी, और साथ ही इसके साथ सिरका जाएगा और दही जाएगी। ये मैं आपको अब मैरिनेशन करके बताती हूँ। ये मैंने एक प्याली तकरीबन दही की ले ली है, ये पूरी एक प्याली है। इसमें डालने क्रीम डालने का ना ये मकसद है कि बस क्रीम डाल दो ना, तो जब इसको हम कोयलों पे करते हैं तो बारबेक्यू इसका करते हैं तो उस वक्त ना ये ड्राई नहीं होती। फिर बोटी इसकी जितनी मर्जी वो खुश्क बोटियाँ जो मुंह में ऐसे खुश्क हो जाती हैं ना, वो खुश्क नहीं होती हैं फिर बोटियाँ। बड़ा अच्छा जूसी जूसी सा रहता है। ये क्रीम की मैंने 2 डब्बियाँ इसके अंदर डाल दी। दही मैंने कम ही डाली है, क्रीम मैंने ज़्यादा डाल दी। अब साथ ही इसके साथ मैं सिरका डालूंगी। आप सिरके की जगह लेमन भी डाल सकते हैं, मैं सिरका डालूंगी। मसाले मैंने आपको बता दिए जो जो मैंने डाले। साथ ही मैं नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें, मैंने भी अपने टेस्ट के मुताबिक लिया है। आज मैंने डायरेक्ट ही सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं, मिक्स नहीं की हैं अलग से मैंने, नहीं तो मसाला अलग से पहले मिक्स करके तो फिर मैं लगाती होती हूँ। दही वगैरह में सारी चीज़ें ऐड करके उसको मिक्स करके तो चिकन बीच में डाल लेती हूँ। देखिए चिकन को मैंने अच्छे से कट्स लगा लिए थे, तो मैंने इसको मिक्स कर लिया। दही कम क्रीम ज़्यादा, फिर ना इतना घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे आपको मसाला अगर कम लगे तो आप साथ ही साथ मसाला और डाल लें। मुझे कम लग रहा था, मैंने और डाल लिया। मैं ये घर में बना के तो रख लेती हूँ एक जार में बंद करके। थोड़ा सा आप इसमें नमक ऐड कर लें तो ये मसाला बिल्कुल ही ख़राब नहीं होता, इसको कुछ भी नहीं होता, इस मसाले को बिल्कुल ठीक रहता है। मिर्चें भी होती हैं इसके अंदर, सब कुछ इसके अंदर मैंने डाला होता है। इसको मैं बाहर छोड़ूंगी, एसी वाले कमरे में छोड़ दूंगी। नहीं तो अगर आपने वहाँ पे पाकिस्तान में कहीं भी किचन में ज़्यादा गर्मी है तो आप गर्मी वाली जगह पे ना छोड़ें, क्रीम भी होती है स्मेल कर जाती है फिर ना। ठंडी जगह पे इसे 3 से 4 घंटे छोड़ दें बाहर, और फिर उसके बाद आप इसका बारबेक्यू कर सकते हैं। बारबेक्यू मैं जब करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसकी वीडियो। मैंने डाले हैं, आप अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास अदरक का पाउडर भी है। मैंने ले लिया है 2 चिली फ्लेक्स के मैंने स्पून लिए हैं, 2 मैंने वो घर के मसाले के लिए हैं स्पून। वैसे आप मिर्चें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही डाल। 1 चमची लहसुन पाउडर की, हल्दी की 1 चमची, गरम मसाले की 1 चमची, और सूखा धनिया जो है वो उस मसाले में ऐड होता है जो मैं बना के रखती हूँ ना, उसमें वो ऐड किया होता है मैंने। जीरा, अजवाइन, काली मिर्चें, साबुत सुरख मिर्च उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी आप लोगों को कि मैंने बारबेक्यू में इसको क्या मसाला लगाया, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बड़ा मज़े का बनता है। सीधी आसान सी इसकी रेसिपी है। क्रीम डालेंगे तो फिर बारबेक्यू करते वक्त घी भी नहीं लगाना पड़ेगा ज़्यादा। ये साथ ही मैं चॉप्स का मसाला भी आपको बताऊँगी कैसे लगाना है। मैंने दही डाल दिया, सिरका डाला था मैंने, सिरके के साथ मैंने दही डाल दिया, और जो घर का मसाला आपको मैं बताया था वो डाला मैंने। साथ ही इसमें मैं क्रीम डाल दूंगी। और ये मसाले ये लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, चिली फ्लेक्स, नमक, घर का रोस्ट का मसाला, हल्दी, गरम मसाला, नमक, ये सब मैंने इसमें मिक्स कर दिया। सिरका मैंने डाल दिया था, साथ ही हल्दी डाल दी थी। हल्दी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, हल्दी मैं थोड़ी सी और ऐड करूँगी। मैं वैसे भी अपने खानों में थोड़ी ज़्यादा ही डालती हूँ हल्दी, हल्दी का फ़ायदा ही होता है, नुकसान कोई नहीं होता इसका। ये अच्छे से पानी इसका निकल गया होगा, और बोनलेस गोश्त
अब इसको मैं मैरिनेट करके, कचरी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको छोड़ना है, सिरका इसके अंदर है और ये गल जाएगा। अगर दो कर दिन मैं रखूँगी इसको फ्रिज में, सिरका अच्छे से इसके अंदर है तो ये गल जाएगा, ज़्यादा नहीं करेगा, गलने में टाइम नहीं लेगा ज़्यादा। ये मसाला देखें, आप देख सकते हैं, ज़ीरा भी नज़र आ रहा है, सूखा धनिया भी, मिर्चें भी, सारा कुछ आपको इसमें नज़र आ रहा है। दो चम्मच इस मसाले के भर के डालिएगा। मुर्गी के जो पोटे आते हैं ना, ये वो है, इसमें मैंने लहसुन पाउडर डाला थोड़ा सा। इसको मैं सूखा मसाला लगाऊंगी, इसको गीले मसाले की ज़रूरत नहीं है, दही वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, वही जो मैंने मसाला बनाया हुआ था हल्का सा वो डाल दूँगी, नमक डालूँगी साथ में, थोड़ा सा सिरका। चलो इसको मैंने अच्छे से, जैसे मैंने ओजरी को धोया था ना, वैसे मैंने इसको भी धो लिया था नमक लगा के, हल्के हाथों से इसको नमक और वो आटा डाल के मैं गरम मसाला भी चला गया इसके अंदर, थोड़ी सी हल्दी भी चली गई। आपने डालना तो आप एक चम्मच डाल सकते हैं उसका, दही का, लेकिन मैं नहीं डालूंगी। मैं ये क्रीम जो पड़ी थी मेरे पास उसी को साइड है उसकी साफ़ कर रही हूँ, डब्बी की जो भी मैंने इस्तेमाल की आपके सामने। दही अगर डालनी है तो इतनी ज़्यादा नहीं डालिएगा, एक चम्मच आप डाल सकते हैं दही पर। ये अच्छे से हो जाएंगे। अब इनको मैं पूरा एक रात छोड़ूंगी और अगले दिन मैं इनको फिर अंगीठी पे बना लूँगी। ये मैंने जो कल मसाला लगाया था आपके सामने, एक दिन पूरा मसाला इसको लगा रहा है। अब ये बारबेक्यू हो रही है, चॉप्स देखें, चॉप्स कितने अच्छे से हो गई हैं ऊपर से। ये अच्छे से गल गए हैं, ज़बरदस्त से रेडी हो गए, मसाला इतना अच्छा अंदर इसके रख चुका है, बहुत मज़ेदार। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसको बना के देखिएगा। ज़बरदस्त लाहौरी टिक्का।